वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी एग्जाम्स। चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 14.2 सॉल्व करेंगे, यानी कि गुणनखंड का सेकंड चैप्टर बोल सकते हैं। 14वां चैप्टर का सेकंड टॉपिक है, सेकंड एक्सरसाइज है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 1 + 2x + x2, इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए हम लोगों को क्या रूल है वो हमको पहले मालूम होना चाहिए। पहले तो हम इसको सजा के लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, x2 + 2x + 1। तो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यानी कि कोफिशियंट है, और ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है। जब यहाँ पर वैसे भी ये फॉर्मूला पे बैठ जाएगा पूरा, तो हम इसको फॉर्मूला पे बैठा देते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं, a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा a² + 2ab + b² तो यहाँ पर वही चीज़ है। यहाँ पर इस पर a बोलेंगे तो a² + 2a, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, 2ab + b², दैट इज ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। और जब होल स्क्वायर में कोई भी नंबर होता है, कोई भी चीज होता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, दो दो बार गुना में लिख सकते हैं, x+1 × x+1। ये हो गया इसका क्या बोलते हैं इसको, गुणनखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर दिया हुआ है वो क्या है, a² b² - 6abc + 9c² इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको ए बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पर भी वही फॉर्मूला पर फिट हो जाएगा जैसा दिख रहा है, a + a * a * b का होल स्क्वायर -2। अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देंगे तो बीच वाले टर्म में माइनस हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² - 2ab + b² यहाँ पर माइनस होने पर बीच वाले टर्म में माइनस हो जाता है, बस इतना फर्क है। टू ए, ए क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा पूरा 2a * b, b के जगह पर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 6 था, 6 का मतलब 2 लिखा था फॉर्मूला में पुट करने की वजह से, तो बच गया कितना, 3। तो यहाँ पर 3 से बच जाएगा ये b के फॉर्म में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, a, ये हो गया a, ये हो गया b, तो a² - 2ab + b² 9c को हम क्या लिख सकते हैं, 3c² होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर, a - b, a हो गया यहाँ पे और b हो गया यहाँ पे, या फिर इसको b बोल सकते हैं, तो इसका होल स्क्वायर ये हो गया ए, ये हो गया बी, a - b का होल स्क्वायर। जब इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम लोग दो बार लिख सकते हैं गुना में, ये हो गया गुणनखंड आंसर। क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ है, 1 - 1 - a - b का होल स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं, 1 - ये हो जाएगा a² - 2ab - b² जब ब्रेकर तोड़ेंगे, 1 - इससे गुना हो जाएगा तो a² - -+2ab, और यहाँ पे गुना हो जाएगा तो -++b² आगे क्या कर सकते हैं इसको, इसमें तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा करने के लिए, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, चलिए इसी को हम लोग तोड़ लेते हैं। जैसा कि मालूम है एक फॉर्मूला यहाँ पे, a² - b² बराबर होता है a + b, और एक बार a - b हो जाएगा। इस पूरे को अगर हम कैपिटल बी बोल दें और इसको हम ए बोल देंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a -
बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, तो ए बोले तो 1 प्लस बी, और दूसरी बारी में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए 1 हो गया माइनस बी, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए माइनस बी, यहाँ पे 1 माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी आंसर। इसको हम यहीं पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में तोड़ेंगे, तो ये बोल हो जाएगा ए प्लस बी, ए बोल हो जाएगा ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आंसर आपका ये आ जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी 16, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 19, 9 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इसको तोड़ लेते हैं, 16 ए स्क्वायर हम लोग इस पर तोड़ लेंगे, सेम ऐसा ही है, सेम वही है, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अंदर गुणा कर लेंगे, 16 ए स्क्वायर 16 दूनी 32 ab प्लस 16 बी स्क्वायर माइनस 9 ए स्क्वायर प्लस न दूनी, इसको नीचे लिख देते हैं, माइनस न दूनी 18 ए बी माइनस 9 बी स्क्वायर। अब देखेंगे ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर वाले को, तो 9 में 16 में से 9 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 ए स्क्वायर, यहाँ पर 32 ए बी है माइनस में, और यहाँ पर है, यहाँ पर तो 9 दूनी 18 होना चाहिए था, 9 2 18, तो 18 ए बी, 32 में से 32 और 18 दोनों ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 2 10, 2 और 1 3 और 1 4, दोनों माइनस में 16 बी स्क्वायर, और यहाँ का माइनस 9 बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 7 बी स्क्वायर। एडजस्ट कैसे करेंगे, दोनों साइड को गुना करके बीच वाला पुराना है, तो यहाँ पे 32 और 18 50 हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पर हमको दोनों को एडजस्ट करके कितना बनाना है, दोनों को गुना करेंगे तो 49 आएगा, 49 गुना 1, दोनों को जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7a² माइनस 49ab माइनस 1ab प्लस 7b², ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 7a कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा ए माइनस 7b, यहाँ से भी माइनस क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे बी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ए माइनस, तो यहाँ बाहर आ गया है, और यहाँ पर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 7b, ये दोनों सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं गलत होगा। अब क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों में से एक लिखेंगे, इनटू में 7a माइनस बी, 7a माइनस का बी आंसर, यही हो गया गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर ई में क्या कहता है, y x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 10x प्लस वाई इन प्लस 25, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग जब एडजस्ट करेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, इस वाले पे क्या आ जाएगा, फिट हो जाएगा, तो हम इसको बोल लेते हैं, इस पूरे को बोलेंगे ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर दैट इज एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस, फॉर्मूले में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2, तो 2 कर देंगे, इसको हम ए कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए, ए के जगह पर एक्स प्लस वाई इंटू बी, बी के जगह पर क्या करेंगे,
यहाँ पर 10 था, 10 को तोड़ के 2 यहाँ लिखे थे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरा पार्ट 5 को यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे, ये हो गया ए, ये हो गया 2, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी ए, और यहाँ पे भी फिर ए सॉरी बी, तो ए स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसका बदले हम कह सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए क्या हो गया यहाँ पे एक्स प्लस वाई, और क्या है यहाँ पे माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग दो बार में लिख लेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस 5 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5 आंसर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर F, इसमें क्या दिया हुआ है, F में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 AB, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या कर लेते हैं ब्रेक करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 AB, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 4 AB कर्ज में है, यहाँ पर प्लस का 2 AB पूंजी में है, प्लस का मतलब पूंजी माइनस का मतलब कर्ज, दोनों सेम चीज है ठीक है, अगर इसको हम बोले इन दोनों का अगर हम बोल दें आम, तो ये भी क्या हो जाएगा आम, यानी कि दो आम पूंजी है और 4 आम कर्जा है, तो हम क्या करेंगे अपने पास जो जमा आम है उसको दे देंगे, तो भी हमारे पास दो आम कर्ज ही रह जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि कर्ज ज्यादा है 4 है और पूंजी दो ही था, तो देने के बाद भी दो कर्ज रह गया, और ये वाला जो है यहाँ पर देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस बी स्क्वायर, दैट इज उसके जगह पर हम क्या करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर को दो बार गुणा के रूप में लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा गुणनखंड का रूप। क्वेश्चन नंबर जी में क्या दिया हुआ है, 4x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4, तो इसको हम क्या करेंगे देखते हैं, इसको इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, 4x², और यहाँ से अगर हम माइनस का और हम कॉमन ले लें, तो यहाँ पर क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4, तो क्या हो जाएगा ये 4x² माइनस, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस बाहर में है, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा ठीक है, तो ये हो जाएगा इसमें देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ये क्या बन गया, ये बन गया वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, जब यहाँ पर फिर देखेंगे आगे फर्दर क्या है 2x का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2x का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं एक बार क्या करेंगे प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में, जब माइनस लेंगे तो ये माइनस अंदर गुना हो जाएगा इस तरह से, ये हो जाएगा आंसर। जी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एच, एच में क्या दिया हुआ है, 9x² माइनस n² बाय 4, क्या करना है इसको इक्वल्स टू, इसको हम कर सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, ये फिर किस फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच के बाद आई, क्या है इसमें ए स्क्वायर प्लस
ए प्लस 4 प्लस 3 ए। चलिए यहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए और यहाँ पर 3 ए दोनों को ऐड कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस 3 और 1 4 ए प्लस 4। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले में सेट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी। बी के जगह पर क्या लिखेंगे, 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोल रहे हैं ए और इसको हम लोग बोल रहे हैं बी, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा होल स्क्वायर में आएगा तो हम इसको दो बार गुना में तो लिख ही सकते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई के बाद जे। जे में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, अब ये तो ये वाला फॉर्मूला में सेट नहीं होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, 8 को और एक्स स्क्वायर के साथ गुना में क्या है, 1 है, तो 8 को और 1 को गुना करेंगे तो 8 आएगा, और इस 8 को ऐसा तोड़ना है, ऐसा ब्रेक करना है कि ये क्या हो जाए, 6 आ जाए जोड़ने या घटाने पर। लेकिन यहाँ पर जब प्लस है तो जोड़ने पर ही क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 6x होना चाहिए। तो इसको हम जैसे ही तोड़ेंगे तो 8 इंटू 1 कर सकते हैं, दूसरा 2 इंटू 4 कर सकते हैं, तीसरा और क्या हो जाएगा फिर से 4 इंटू 8, 4 इंटू 2, तो यहाँ पर 2 ही आया। इसको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 6 चाहिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो हमें इसी को, तो इसी को लिख देना है कैसे, 2x प्लस 4x। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2, यहाँ से प्लस 4 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2। तो यहाँ पर देखेंगे x प्लस 2 दो जगह पे है, तो वहां से कॉमन ले लेंगे, एक हो जाएगा दोनों, और यहाँ पर जो बाहर में था x और यहाँ पर x प्लस 4, क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू x प्लस 4 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे के बाद के। वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 30। इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रोसेस, 30 को और वाई स्क्वायर के साथ क्या है, गुना में एक है तो गुणांक एक है वाई स्क्वायर का, दोनों को गुना करेंगे 30 आएगा, 30 को ऐसा तोड़ना है यहाँ पर क्या आ जाए, 13 आ जाए। तो हम लोग क्या जानते हैं, 30 को तोड़ेंगे तो 10 गुना 3 भी कर सकते हैं, तो 10 और 3 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने पर ही आना चाहिए, माइनस मतलब घटाने पर नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस, इसको कैसे सेट करेंगे, माइनस एक्स माइनस 3, दोनों कर्ज हो जाएगा, दोनों कर्ज को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस सॉरी माइनस का 10 वाई माइनस का 3y प्लस 30, दोनों क्या करिए, दोनों को जोड़ने पर ही कितना आएगा, माइनस का 13। तो यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 10, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, y माइनस 10, यहाँ का माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों सेम हो गया, तो दोनों में से एक लिखना है, और जो वहां पर y था और यहाँ पर माइनस 3 था उसको एक साथ लिख देना है। ये हो गया गुणनखंड आंसर। इसके बाद वन का लास्ट एल क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 22। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 को और यहाँ पर गुणांक में एक है तो इसको गुणा करेंगे, 22 को तोड़ेंगे फिर बीच वाला आना चाहिए तोड़ने पर, तो हम लोग पहले चेक करते हैं, ब्रेक करते हैं पहले 22 को, 22 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 22 2 गुना 11। यहाँ पर माइनस है तो हमको घटाने पर आना चाहिए कितना, 9, तो 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, तो यहीं पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 11। यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का 11
एक्स और माइनस का 2x माइनस 22, 11 में से 2 घटेगा 9 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो घटाने पर ही आना चाहिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 11 माइनस एक्स प्लस 11 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इन दोनों में से एक टर्म लिखेंगे जब दोनों सेम हो तो, अगर सेम नहीं आएगा तो आंसर गलत हो जाएगा, कहीं पे गलती हुआ होगा तभी सेम नहीं आएगा, और नहीं तो सही जाएगा तो सही रहने पर आंसर सेम आएगा यहाँ का और यहाँ का, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड फैक्टर आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या करना है, निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो हमको इसमें भी क्या करना है, गुणनखंड ही ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी गुणनखंड कीजिए, तो क्या हो जाएगा, पहला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 135, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ का जो कांस्टेंट टर्म है और यहाँ का एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 135 ही आएगा, और 135 को ऐसा तोड़ेंगे, ऐसा उसका गुणनखंड निकालेंगे इसी का कि ये बीच वाला आ जाए, जोड़ने या घटाने पर, यानी पर माइनस है तो घटाने पर ही आना चाहिए, तो चलिए देखते हैं इसको, 135 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 1 × 135, ये 5 से कटेगा तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ते हैं, 5 × 3 = 8 और 1 = 9, 3 से कटेगा, 3 × 4 = 12, 5 × 3 = 15, 5 × 9 यानी कि 3 से कट जाएगा 15, और क्या हो सकता है यहाँ पे 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब क्या क्या हो सकता है यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो 3 से गुना करने पर 3 को 45 से गुना करेंगे तो भी 135 हो जाएगा, अगर 15 को 9 से गुना करेंगे तो भी 135 हो जाएगा, और अगर हम 3 × 3 = 9 = 27, 27 को 5 से गुना करेंगे तो भी क्या आएगा, 135 आएगा। अब आपको देखना है कि माइनस करने पर कौन जो है -6 देता है, तो जब इनको हम जो देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 32, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, जो कि 6 आना चाहिए था, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, और यहाँ पर देखेंगे 15 में से अगर 9 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, यानी कि हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यानी कि इसमें दोनों में से जो बड़ा टर्म होगा उसमें माइनस रखना है ताकि कर्ज ही रहे, 15x - प्लस 9x - 135, यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ से x कॉमन ले लेंगे x माइनस 15 प्लस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस यहाँ पे भी 15, दोनों सेम है एक बार लिख देंगे उसको, और यहाँ पर x और यहाँ का प्लस 9, इस तरह से क्या हो गया, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, x माइनस 15 इंटू x x प्लस 10 एक्स प्लस 9। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बी 2 का बी में क्या है, 8x + y³ - 50x + y, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम 8 को तोड़ेंगे तो 2 × 4, इसको और भी दो तोड़ सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ से भी तोड़ के कॉमन करना है पहले, इसलिए हम अपने सुविधा के हिसाब से कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई क्यूब है तो यहाँ पर स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई भी कर सकते हैं, माइनस यहाँ पर क्या करेंगे 2 × 25, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, अब देखेंगे इन दोनों टर्म्स में यहाँ का 2 और यहाँ का 2 कॉमन है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई और यहाँ का एक्स प्लस वाई कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 2xy को बाहर कर लेंगे 2x को, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर हम मिडिल ब्रैकेट लगा देते हैं, कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, तो 25 ही बचेगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इस 4 को इसी में सेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 2
एक्स प्लस वाई, और ये जो टू बाहर में था, स्क्वायर से बाहर था, अभी क्या किया हमको इसको इस स्क्वायर के अंदर में ले लिया, तो चार रूट स्क्वायर स्क्वायर के अंदर में आएगा तो क्या हो जाएगा, टू बन जाएगा, माइनस फाइव का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसको हम क्या करेंगे, टू एक्स, इसको एक बार लिखेंगे प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ पे टू एक्स प्लस वाई, एक बार प्लस में, दोनों सेम ब्रैकेट नहीं देंगे, यहाँ पर दे देते हैं मिडिल ब्रैकेट, और दूसरी बार में टू एक्स प्लस वाई माइनस फाइव, ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड फैक्टर। टू एक्स पहला यहाँ पे, टू एक्स वाई, टू एक्स प्लस वाई प्लस फाइव, यहाँ पर टू एक्स प्लस, इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, टू एक्स यहाँ पे एक्स, टू एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव, और एक बार टू एक्स प्लस टू वाई, टू को अंदर गुना कर देंगे तो माइनस फाइव आंसर। इस तरह से इसका भी आंसर आ गया। नेक्स्ट सी, क्वेश्चन नंबर सी, क्या है क्वेश्चन नंबर सी में, फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर प्लस 12 एक्स वाई माइनस वन, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सी। इसको क्या करना है, सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कर सकते हैं टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस थ्री वाई का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू, इसको हम ए कहें, इसको हम बी कहें, तो टू इंटू ए दैट इज टू एक्स इंटू बी थ्री वाई माइनस वन, यहाँ पर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए बी ए बी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, वन के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो वन ही रहेगा, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यहाँ से तो क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस थ्री वाई, एक बार माइनस माइनस में लिए तो एक बार प्लस में ले लेंगे, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस वन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, 75 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको माइनस को हम खींच लेते हैं सबसे बाहर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 75। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको ऐसा तोड़ना है कि ये मिडिल टर्म लाना है, तो हम इसको क्या करेंगे, 75 को हम तोड़ेंगे तो क्या क्या हो सकता है, 75 का गुणनखंड, एक गुना 75 होगा, 200 तो नहीं कटेगा, 3 15 25 75, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 15 25 75, ये इसी से आ जाएगा, माइनस है यहाँ पे, तो घटाने पर कितना हो जाना चाहिए, 10 आना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस का 15x माइनस का 5x, सॉरी प्लस कर लेंगे क्योंकि माइनस कर्ज ज्यादा है, पूंजी कम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कर्ज में से पूंजी हटाएंगे तो भी कर्ज ही रह जाएगा, माइनस 75 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बड़े ब्रैकेट ले लेते हैं, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस 15 प्लस यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 15 ब्रैकेट बंद, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस को रखेंगे बाहर में, एक्स प्लस 5 करेंगे एक बार, और एक बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का 15, तो हम क्या करते हैं इसमें कहीं पे भी हम इस माइनस को इन कर देते हैं, डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 15
एक्स इंटू एक्स माइनस 15। हो सकता है कि माइनस को इसके साथ इन कर देंगे तो यहाँ पर 15 माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर डी का। डी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, 12 ए स्क्वायर माइनस 27। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 3 को बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या क्या बचेगा, 4 ए स्क्वायर माइनस 9। तो हम क्या करेंगे इसको, 2a का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, दैट इज 3 इंटू 2 ए प्लस 3, 2a माइनस 3 आंसर। एफ में क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस ए वाई स्क्वायर। क्या करते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, ए माइनस बी, और इस वाले में जब हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बी माइनस ए। तो यहाँ पर हमको दोनों सेम होना चाहिए था तो इसको हम थोड़ा सेट करेंगे, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी माइनस कर लेंगे यहाँ पे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ए को माइनस को जब ए से गुना करेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, और माइनस को जब इससे गुना करेंगे तो ये प्लस बी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ए माइनस बी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दो बार लिख देंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इसी फॉर्मूला में, एक्स प्लस वाई एक बार और एक बार हो जाएगा एक्स माइनस वाई साथ में ए माइनस बी आंसर। इस तरह से क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में, इसमें भी क्या करना है, निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंडन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये में क्या दिया हुआ है, 16 ए पर पावर 4 माइनस 81 वाई पर पावर 4। तो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, 4x² का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और एक्स स्क्वायर का फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स पर पावर 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 9y² का होल स्क्वायर। तो दोनों में 81 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो वाई पर पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर इसी फॉर्मूला में क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x² एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। फिर से यहाँ पर हम देखेंगे फॉर्मूला सेट हो जाएगा यहाँ पे, ये तो कुछ नहीं कर सकते हैं इसको, ये तो ऐसे ही रख देंगे इसको, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर, इसको बड़े ब्रैकेट कर देते हैं, माइनस 3y का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस 9y², और यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, सिर्फ इसी फॉर्मूला में पुट कर देना फिर से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y और एक बार माइनस कर देंगे, 2x माइनस ही रखेंगे। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स पर पावर 4
माइनस वन, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसी में पुट कर देंगे, तो ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन एक बार हो जाएगा और एक बार हो जाएगा प्लस, फिर से इसको हम पुट करेंगे यहाँ पर स्क्वायर मान लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिख देंगे, और ये तो वैसे ही रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, क्या दिया हुआ है, एक्स पर पावर फोर माइनस एक्स माइनस वाई पर पावर फोर, इसमें हम लोग सेम सेम अप्लाई करेंगे, इसी में सेट करने की कोशिश करेंगे, एक्स पर पावर फोर है इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का यहाँ पर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर को एक बार माइनस में रखेंगे और एक बार यहाँ पर प्लस कर लेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का दैट इज इस फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, यहाँ पर ए स्क्वायर मान लेंगे इसको बी स्क्वायर मान लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में फिर से लिख देंगे, क्या हो जाएगा, एक बार माइनस में रहने देते हैं एक्स माइनस वाई और एक बार प्लस कर देंगे एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, इसको बड़े ब्रैकेट कर लेते हैं मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर क्या करते हैं माइनस को हटा लेते हैं, ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वाई ये हो गया, यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया गुणनखंड, एक गुणनखंड दूसरा गुणनखंड और यहाँ पे हो गया तीसरा गुणनखंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी में कहता है 9x² माइनस 4y² माइनस 3x प्लस 2y, दिख रहा है यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर है यहाँ पे 9x² और 2y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4y², तो चलिए सेट करते हैं इसको, 2x² माइनस सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2y का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम माइनस ब्रैकेट में ले लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में सेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3x 2y 3x प्लस 2y, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और यहाँ पे माइनस 3x माइनस 2y, तो यहाँ पर देखेंगे 3x माइनस 2y, यहाँ पर भी 3x माइनस 2y, यहाँ पर मान लेते हैं इन टू में क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 3x माइनस 2y को बाहर कर लेते हैं, अगर 3x माइनस 2y को अगर हम खींच लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x प्लस 2y और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1, ये इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, x प्लस y का होल क्यूब प्लस 4x + y का होल स्क्वायर प्लस 4
एक्स प्लस फोर वाई। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पावर क्यूब है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार स्क्वायर में लिखते हैं और एक बार इसको हमने तोड़ा, प्लस इसको भी हम लोग क्या करेंगे, फोर इंटू पावर टू है तो इसको हम दो बार लिख देते हैं। इसको हमने दो बार, इसको तीन बार लिख सकते थे लेकिन मैंने दो ही बार लिखा, क्योंकि हमको यहाँ पर एक्स प्लस वाई को ही खींचना है तो हमको एक्स प्लस वाई के फॉर्म में लिखना था, इसलिए मैंने इसको तोड़ा, इसको भी तोड़ा, तीन हिस्सा नहीं किया, दो ही हिस्सा किया। प्लस यहाँ से फोर अगर कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस वाई, तो तीनों टर्म में देखेंगे यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई, यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई और यहाँ पे भी क्या है एक्स प्लस वाई, तीनों टर्मों से जब तीनों पदों से क्या करेंगे एक्स प्लस वाई को खींच लेंगे, यहाँ से खींच लिया तो यहाँ पर क्या बच गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा प्लस फोर इंटू एक्स प्लस वाई और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस फोर, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिखेगा, यहाँ पे हमको यहाँ पर दिख रहा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि इसको हम ए स्क्वायर प्लस टू फिर से इसको ए इंटू बी, इसको तोड़ेंगे तो चार को तोड़ेंगे दो हो जाएगा, दो दूनी चार, तो ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर दैट इज टू का स्क्वायर, सेट हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पर क्या हो गया एक्स प्लस वाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई यानी कि ए प्लस बी यानी कि टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम होल स्क्वायर को हम दो बार लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या कर देंगे इसको, यहाँ पे एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई प्लस टू को दो बार लिख देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस टू को दो बार, इस तरीके से क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों, बड़ी मेहनत के बाद ये वीडियो बना है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, धन्यवाद।